उम्मीद है कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। सब एंजॉय कर रहे हैं? तो मैं पाकिस्तान का नारा लगाऊंगा, सब लोग उस नारे का जवाब देंगे ताकि मुझे पता चले कि आप सब एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। आज हम सब यहाँ आजादी मना रहे हैं, तो आज हमारे पास मौका भी है कि हम उन तुलबा को सपोर्ट करें, उनकी हौसला अफजाई करें जिन्होंने सारा साल मेहनत की और बेहतरीन रिजल्ट लिया। हमारा अभी रिसेंटली रिजल्ट आया था 9th क्लास का, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चे मेहनत करने वाले हैं। तो जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके बेहतरीन मार्क्स आए, कबीरवाला में इर्द गिर्द के इलाकों में नुमाया पोजिशन हासिल की, अब मैं उन स्टूडेंट्स को दावत देने लगा हूँ। उससे पहले मैं दावत दूंगा हमारे चीफ गेस्ट हाफिज सईद साहब को कि आप स्टेज पर आएं और उन बच्चों को सर्टिफिकेट से नवाजें। आपकी भरपूर क्लैपिंग में तशरीफ लाएंगे हाफिज सईद साहब। थर्ड पोजीशन जिसने हासिल की है वो है इशा फातिमा। इशा फातिमा स्टेज पर तशरीफ लाएंगी और अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगी। इशा फ्रॉम 10th क्लास, रिसेंटली इनका 9th का रिजल्ट आया था। आप लोगों ने क्लैपिंग नहीं की, क्लैपिंग होनी चाहिए। और आप भी इंशाल्लाह इसी तरह स्टेज पर आएंगे, सर्टिफिकेट लेंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आएंगे। सब मेहनत करेंगे? सब मेहनत करेंगे? गुड। तो इसके बाद तशरीफ लाएंगी जिनकी सेकंड पोजीशन है सवेरा कमर। सवेरा कमर के लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। 515 मार्क्स हैं इनके, ईशा के 482 मार्क्स थे। अगर सवेरा नहीं आई तो इनके भाई मुबीन कमर आ सकते हैं। मुबीन आ जाओ बेटा, हरी अप। इसके बाद मैं उस बच्ची को दावत देने लगा हूं जिन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की है, भरपूर मेहनत की, सारा साल मेहनत की, दिन रात मेहनत की, वैसे तो सबने मेहनत की, इन्होंने बाकी बच्चों से बढ़कर मेहनत की। तो आपकी भरपूर क्लैपिंग में तशरीफ लाएंगी हिजाब फातिमा। इन्होंने मार्क्स लिए हैं 533 मार्क्स। और इन तमाम बच्चों के लिए बल्कि आप सबके लिए मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आप सबके लिए। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करें और टीचर्स को अप्रिशिएट ना करें। हमारे टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टीचर्स मेहनती हैं, सबने मेहनत की, भरपूर मेहनत की, जिनकी मेहनत की बदौलत इन स्टूडेंट्स ने पोजीशन हासिल की। जाहिर बात है जो मेहनत करता है उसमें कोई एक शख्स ऐसा होता है जिसकी मेहनत सबसे ज्यादा होती है और उसकी पोजीशन भी आती है। हमारे स्कूल में जिन सब्जेक्ट्स की टॉप पोजीशन है, जिनका रिजल्ट सबसे अच्छा है, जो बहुत मेहनत करते हैं, हर वक्त बच्चों का टेस्ट लेते रहते हैं, जब भी आप देखेंगे मेरे ऑफिस में वो शख्स, वो टीचर आए होंगे, सर ये टेस्ट निकलवा दें, आज बच्चों का टेस्ट है, और बच्चे टेस्ट देते हैं, बच्चे टेस्ट से ही तैयारी अच्छी करते हैं तभी टॉप पोजीशन हासिल करते हैं। तो अब मैं दावत देने लगा हूँ हमारे स्कूल के मोस्ट फेवरेट टीचर सर उमेर साहब को कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। आप सबकी क्लैपिंग होनी चाहिए, भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। जब तक सर यहाँ नहीं आते आपकी क्लैपिंग होती रहनी चाहिए।
आपकी तरफ ही बताएगी कि आपको सर से कितनी मोहब्बत है। मैं हफीज साहब को दावत दूंगा, हमारे स्कूल के डायरेक्टर जनाब हफीज फारूकी साहब, कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं और सर को सर्टिफिकेट से नवाजें। हफीज साहब के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए, आप इस सही साहब के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए, मेरे साहब के लिए एक बार फिर क्लैपिंग होनी चाहिए, तमाम बच्चों के लिए एक बार फिर क्लैपिंग होनी चाहिए। उमेर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेहनत की, इसी तरह दिल लगाकर मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह तमाम टीचर इसी तरह मेहनत करती रहेंगी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।